तो अभी का जो समय है वो कौन सा समय है? संगम युग का समय है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा युग है जिसको हम गीता युग भी कहते हैं, जहाँ भगवान आके प्रैक्टिकली गीता का ज्ञान देते हैं, ठीक है, गीता युग भी कहेंगे इसको, जो अंत का ये पोर्शन है, छोटा सा युग है, लीप एज भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी यादगार में वर्तमान में पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम महीना है ना मनाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो ये लेसन में हम आपको बार बार रिफर करेंगे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी शायद आपको क्लियर ना हो, लेकिन आगे चल के भगवान को सुनते सुनते एग्जाम्पल्स समझते हुए आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है, वेरी 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 क्लियरली यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि जो भी शास्त्रों में लिखा गया है, ये रामायण है, महाभारत है, गीता है, शिव पुराण है, भागवत है, ठीक है, वो एक्चुअल में हुआ नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में जो वो हुआ नहीं है, ये एक काल्पनिक कथा है, ठीक है। जैसे हमने महाभारत के वीडियो में बिलीफ सिस्टम में समझाते हुए कहा था कि कैसे वेद व्यास भी खुद वो शब्द का उपयोग करते हैं कि मन की कल्पना से उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, साक्षात्कार जो हुआ था, ठीक है, उसको एक फॉर्म में प्रेजेंट किया, बस उसका जो भावार्थ था वो क्लियर नहीं किया, उसका जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था, ठीक है। तो हर चीज जो हमें बताई गई है वो प्रैक्टिकली फिजिकल फॉर्म में नहीं हुआ है। पहले भी हमने शास्त्रों के ऊपर बता दिया है बहुत सारी चीजें, अगर बिलीफ सिस्टम आपने नहीं कवर किया है अभी तक बेसिक कोर्स में, तो प्लीज आप कवर कीजिए, आपको क्लियर होगा, ठीक है। हमने प्रीवियस सेशंस में कहा हुआ है, ये भी जो एक है जो है रफ वर्जन है, जो राजीव गुप्ता जी है जिनके वीडियो में से भी कुछ बात हमने शेयर की थी, उनकी ये जो रफ वर्जन है उनकी बुक का, उसमें से हम ये रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ भी बताया हुआ है, जैसे उन्होंने भी कहा है और आप खुद भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे हमने ये कवर भी किया है कि भाई इतिहास माना क्या, जो कुछ हो चुका होता है, राइट, इतिहास माना जो कुछ घट चुका होता है उसकी इवेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बट आर्कियोलॉजिकल कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है कि ये जो हम बिलीव करें महाभारत रामायण हो चुका है। अभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ जैसे हमने राम सेतु की बात की थी, ठीक है, कुछ ऐसे लैंडमार्क्स हमें मिलते हैं खुदाई में अभी, तो हम उसको सिर्फ रिलेट कर देते कि हाँ ये महाभारत रामायण से है, क्योंकि वो स्टोरीज है हमने सुनी हुई होती है, तो हमें उसको रियल मान लिया होता है, तो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। इवन आर्कियोलॉजिस्ट, उस आर्कियोलॉजिस्ट का अगर आप किसी से को पूछोगे तो बहुत सारी चीजें जो है उनके भी है प्रेडिक्शंस के आधार पर ही होती है, ठीक है। बहुत सारी फाइंडिंग्स चेंज भी हुई है, तो पहले भी हमने बता दिया है कि भाई देखो 5,000 साल के हिसाब से भी वो उनको तो पता ही नहीं है कि 5,000 साल का है सृष्टि चक्र, तो फिर उनकी सब फाइंडिंग्स भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकली ऐसे कोई फर्म प्रूफ नहीं है कि ये सब घड़ा हुआ है, और भगवान आके हमें और क्लियर करता है कि एक्चुअल में हुआ नहीं है, इट इज अ मेमोरियल, वो मेमोरियल है, भगवान ने यहाँ हमें एक उदाहरण के द्वारा हम कह सकते एक फिक्शनल स्टोरी के माध्यम से जो हमें बताया था, जब भी शास्त्रकारों को वो दिखा, उसका उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आया उनको, उन्होंने वही स्टोरी को काल्पनिक रूप से उसको वर्णित कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शास्त्रों में भी सब भाषा जो होती है वो ऑर्नामेंटल और फिगरेटिव होती है, ठीक है, जिसको हम प्रतीकात्मक कहते हैं, है ना, लाक्षणिक होता है, उसमें सिग्निफिकेंस होता है, कवियों की भाषा कैसे होती है, तो वैसे ही थी, लेकिन हमने उसको समझ नहीं पाया। गीता में भी बोला ना, कविम पुराणम अनुशासितारम, वो तो बड़े से बड़ा कवि है,
तो वो अभी हमें समझा रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री वो होता है जो हो चुका है, ठीक है, जिसको हिस्टोरियन, जिसका मतलब इंक्वायरी रिसर्च भी होता है। जैसे यहाँ ऐसे बोलता है इतिहासकार अलबरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने अपनी कृति तहकीक ए हिंद में लिखा है कि हिंदू ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति उदासीन है, तिथि क्रम के संबंध में अत्यंत लापरवाह है। जब उनसे कोई ऐसी बात पूछी जाती है जिसके बारे में वे उत्तर नहीं दे पाते, तब वे कहानियां घड़ने लगते हैं। तो यहाँ लिखा है महाभारत में इतिहास की परिभाषा के अनुसार इतिहास वह है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थों की शिक्षा मिले। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि आगे चल पौराणिक कहानियों ने लेखकों ने बड़ा चढ़ाकर तथा कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भरने की कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। तो देखो, और यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र देव दीक्षित जी ने भी यही कहा है, ठीक है। हमारे पास बहुत ज्यादा, बहुत लोग जो है विद्वान लोग ये सब बातों को रिसर्च करके बता रहे हैं कि देखो, काल्पनिक कथाओं को सत्य प्रतीत कराने के लिए ऐतिहासिक स्थानों और शहरों के नाम भी उनके साथ जोड़ दिए गए, ठीक है। जैसे हमने ऑलरेडी कुरुक्षेत्र का एग्जाम्पल आपको दे दिया है, ठीक है। तो और तथा उससे अधिक प्रामाणिक करने के लिए पुराणों पर ऋषि व्यास की मोहर भी लगा दी है, ठीक है। तो जहां वहां उन्हें रामायण और महाभारत के साथ लिंक की आवश्यकता पड़ी, वहां श्राप वरदान या देव ऋषि नारद की सहायता ले ली। इसलिए पौराणिक कथा और आख्यान को इतिहास मानना बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें जैसे बताया, इतिहास की तिथि युक्त कोई पुस्तक नहीं है जिससे एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को सौंपा है, लेकिन हिंदू, बौद्ध तथा जैन धार्मिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण तथा आर्कियोलॉजिकल स्रोत, स्मारक अभिलेख और मुद्राओं के आधार पर घटनाओं का अनुमान अनुमान प्रेडिक्शंस लगाकर उनके बारे में प्राचीन इतिहास लिखा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जैसे उन्होंने भी बोला है, अगर चारों युगों की आयु समान मान ली जाए तथा इन्हें दिव्य वर्ष मानने के बजाय मनुष्य वर्ष मान लिया जाए, तो काल चक्र की आयु 5,000 वर्ष ही होती है, जो पाश्चात्य सभ्यता से काफी हद तक मेल खाती है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन, उसके आधार पर ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड की है, और अभी आप भगवान से जब सुनोगे, ठीक है, तो फिर ये स्टोरी को क्यों फिर वर्णित किया गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ना। भगवान ने वो दृष्टांत, एक प्रस्पेक्टिव लिया था, है ना, हमारी बुद्धि में ज्ञान बिठाने के लिए, जो बाद में उसका स्पिरिचुअल प्रस्पेक्टिव गुम हो गया जब ही साक्षात्कार हुए थे ऋषि मुनि को, वो खुद नहीं समझा पाए, ठीक है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, ठीक है, भगवान ने ये कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, ठीक है। यत्नकर्ता सिद्धों में भी मुझको कोई यथार्थ रीति जानता है ना। तो यहाँ भगवान ने क्लियरली कहा है, और भी एक श्लोक है, ठीक है, अगर हम जाए 9वें अध्याय, सॉरी 10वें अध्याय का जो है 2रा श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा है, मेरे प्रकृष्ट जन्मों को न देवगण महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवता और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूं, ठीक है। मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है। अभी आप सोचिए, महर्षि में ये गुरु लोग आ जाते हैं ना, और वो हमने मनुष्य गुरु भगवान नहीं है, उसमें क्लियरली बता दिया है। पिछले सेशन में आप जाइए, लेसन 7 में, तो आपको उसके बारे में लास्ट जो वीडियोस है वो देखिए, ह्यूमन गुरुज भगवान नहीं है, तो उन उसमें आपको मिलेगा जो शॉर्ट वर्जन वाला बेसिक एडवांस कोर्स है, ठीक है। तो एक मेन पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कि ये 4 युग होते हैं, ठीक है। 4 युगों में एक, उसके बाद एक जो छोटा सा युग है संगम युग, जिसके बारे में हमें
हमें तभी पता चलता है जब भगवान होते हैं, ठीक है। तो चार युगों में किसी को पता नहीं रहता है, जब से सत्ययुग स्टार्ट होता है और जिस तरीके से हम सत्ययुग को इमेजिन कर रहे हैं अभी, वैसा रियल में सत्ययुग वैसा है नहीं। वो तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर कर दी, सत्ययुग ऊपर नहीं है, ठीक है। वो सब शास्त्रकारों ने इसका आध्यात्मिक महत्व नहीं जानने के कारण, स्पिरिचुअलिटी चली गई जब स्पिरिट भूल गए, स्पिरिट को भूल गए, आत्मा को भूल गए, है ना। तो उन्होंने अपनी रजो बुद्धि के आधार पर शास्त्रकार माना, जिन्होंने बेसिकली लिखा था, उन्होंने तो बताया ही नहीं था, बट उसके बाद के जो आने वाले थे, कमजोर कमजोर आत्माएं हो, जब हम हो जाते हैं या ऊपर से आने वाली आत्माएं होती है, ठीक है, जिसमें रजो रजो प्रधान संस्कार की ज्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। तो वो आत्माएं जब आती है, ठीक है, या फिर देव आत्माएं ही जो पतित हो जाती है जन्म मरण के चक्र में आकर, और रजो और तमो प्रधान संस्कार से बेसिकली आप कहो के प्रभावित हो जाती है, तो तभी जब वो शास्त्र लिखते हैं तो उसके आधार पर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिस तरीके से वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसीलिए दुनिया में आज कितने सारे शास्त्रों की जो इंटरप्रिटेशन हुई है, ठीक है, ये बात आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ। ये चार युगों से हम गुजर चुके हैं और हर एक युग में जो है भगवान नहीं आए हैं, तो वही आपको बता रहे हैं यहाँ, ठीक है, कि भगवान का जो रूप है हर एक युग में नहीं प्रत्यक्ष हुआ है ना, वो भी आपको पहले समझाया गया है। तो भगवान जो का हर एक रूप की प्रत्यक्षता एक ही समय पे होती है, जिसको हम संगम युग कहते हैं। कौन सा कहते हैं? संगम युग, यही युग है ना। तो जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पहले जो हो चुका है वापस वो अभी रिपीट हो रहा है ना। संगम युग पहले आ गया था, जहाँ सब लोगों ने भगवान से ज्ञान लिया, फिर वो अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर वो ज्ञान को प्रत्यक्ष करते हैं समय समय पर, लेकिन कोई पूरी सच्चाई नहीं बता पाता है, ठीक है। उनकी जो बुद्धि होती है, उनकी जो सात्विकता के हिसाब से जो भगवान का थोड़ा ज्ञान का अंश होता है वो ले लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं वो ज्ञान के अंश को भी, जो सच्चाई होती है उसको में भी मिलावट कर देते हैं बाद में लोग, और वो भी पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी धर्म गुरु के द्वारा भगवान ने अभी तक ज्ञान नहीं दिया है, कोई भी अवतार के रूप में भगवान नहीं आए हैं। वो अवतार का जो गायन है उसका कनेक्शन इसी युग से है, तो यही युग है जो एक यादगार बनता है। भगवान ने जो दृष्टांत लेके, भगवान जिस शरीर में आते हैं वही शरीर है, वो प्रत्यक्ष होते हैं अलग अलग रूप में, उनका एक शूटिंग पीरियड होता है, उसी शूटिंग पीरियड में वो प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि जो ऋषि मुनि खुद नहीं जानते थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वो व्याख्या नहीं किया। इसलिए भगवान क्या समझे रवि, क्या समझे कवि, अंत में है भगवान आके ही उनका जो है क्लियर रियल मीनिंग बताते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे, बट बात यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि जिसको हम रियल मान रहे हैं, उस वो रियलिटी मनुष्य गुरु ने हमें बताई है, वो भगवान अभी हमें कह रहा है कि वो एक दृष्टांत था। अभी जैसे जैसे आप भगवान की मुरली सुनते जाओगे, आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है, जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सत्ययुग आने वाला है, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष
अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद् गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।